हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। ऑलरेडी हम क्लास 12 की कंपनी बुक से पहला चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर वीडियो बना चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अदर देन कैश का टॉपिक किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें इसमें मैंने आपको बताई हुई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा आज का टॉपिक, और बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा। बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसको कवर भी किया है और टाइम को देखते हुए, क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने बहुत ही कम समय में इसको पूरे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। क्वेश्चन आपको बाद में देखने को मिलेंगे वीडियो के एंड में, अभी लेकिन आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप आराम से कर लोगे। ये बात ध्यान रखो, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया किसी भी टॉपिक का तो बेटा आप क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कंसेप्ट समझने के बाद आप क्वेश्चन ट्राई करो, अगर क्वेश्चन नहीं होते आप मुझे बताओ, मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया हुआ है, पहले सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए देन बेटा फिर मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, और उसके बाद आधे आधे घंटे में बेटा एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा आने वाले वीडियोस में, और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा साथ में। उसको करने के बाद फिर आप देखना कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो बेटा वीडियो को सबसे पहले देखने से पहले वीडियो को आप सब्सक्राइब करो चैनल को। इससे क्या होगा कि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और साथ में बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं बेटा वीडियो के बाद में, और अभी आप स्टार्ट करेंगे हम वीडियो को देखना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने 12th क्लास का हमने टॉपिक किया था, जिसमें था फर्स्ट चैप्टर कंपनी बुक का शेयर्स कैपिटल वाला, और जो टॉपिक उसमें हमने कवर किए थे वो किए थे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, और शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे। ठीक, तो वो टॉपिक हमारे कवर हुए थे, और आज की इस वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है शेयर इशू, जो हम शेयर इशू करते हैं फॉर अदर देन कैश। तो आज के टॉपिक का नाम है बेटा अदर देन कैश। कंपनी शेयर इशू करती है तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसको पैसा ही मिले, कई बार वो कैश के अलावा भी कुछ चीजों के लिए शेयर इशू कर देती है, जिसको हमने बोला है यहाँ पे अदर देन कैश का टॉपिक। ठीक है, अब बात करेंगे अदर देन कैश, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है मैं फिर कहूंगा आपको, लेकिन सीबीएसई बोर्ड है बेटा, कुछ भी हो सकता है, ये रीजन था इसको कराने का, अदरवाइज मैं इसको नहीं कराता, बट अभी कराना पड़ेगा। तो अदर देन कैश, और इवन ये बेनिफिट हमें देगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, भले इस चैप्टर में ना हो, लेकिन अगर यहाँ से सीख गए तो नेक्स्ट चैप्टर आपका इजी हो जाएगा बच्चे। तो इस टॉपिक को आज हम सीखेंगे अदर देन कैश को, और इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, और आपको एक इलस्ट्रेशन भी दिखा दूंगा बेटा, वो भी आप देख लेना। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए थे, इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा, एक तो लास्ट वीडियो के भी और इस वीडियो के भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अदर देन कैश के टॉपिक को बेटा। जब बेटा हम बात करते हैं अदर देन कैश की, तो बेटा अदर देन कैश में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो जानते हैं। अदर देन कैश, इसके अंदर बेटा आपको जो देखने को मिलेगा वो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले जो बेटा एंट्री पास करनी होगी वो एंट्री पास करनी होगी दो तरीके से। ये पूरा जो कंसेप्ट है बेटा वो है बिजनेस को परचेस करने का, आप या तो कोई असेट परचेस करोगे, या तो कोई असेट परचेस करोगे, या फिर बेटा आप परचेस करोगे पूरा बिजनेस, परचेस करोगे बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि क्वेश्चन में आपको बिजनेस परचेस करने के लिए बोला है या असेट। अगर बेटा असेट परचेस करते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है वो ध्यान से देखो। तो जो भी असेट है उसका नाम लिखोगे, जो भी असेट है उसका नाम लिखोगे, और लिखोगे डेबिट, और टू यहाँ पे आ जाएगा बेटा वेंडर, क्या आ जाएगा बेटा वेंडर अकाउंट। ठीक है, यह है बेटा परचेस करने की एंट्री। लेकिन अगर आप बिजनेस परचेस करते हो तो इसकी एंट्री थोड़ी सी अलग हो जाती है, आप सबसे पहले ले देते हो बेटा सन्ड्री असेट्स, तो जितनी भी बेटा असेट्स है वो सभी लिखते चले जाओगे, उन सभी को आप डेबिट करोगे, और टू करके लिखोगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के भी यहाँ पे नाम लिखने। बेटा आपको सन्ड्री असेट्स लाइबिलिटी ये नहीं लिखना, आपको इसके आइटम लिखनी है जो मैंने टिक टिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आइटम तो बेटा डेबिट किए हैं, डेबिट किए हैं, डेबिट किए, और ये सारे आइटम आपके क्रेडिट किए हैं।
इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक अमाउंट देखने को मिलेगा बेटा वेंडर का, तो आप वेंडर लिखोगे यहाँ पे और वेंडर का अमाउंट लिखोगे, तो मतलब यहाँ पर ये अमाउंट, यहाँ पर ये अमाउंट और यहाँ पर तो भैया भरमार है अमाउंट की। फिर आप क्या करोगे, आप डेबिट के टोटल को क्रेडिट के टोटल से कंपेयर करोगे, कौन सा अमाउंट बचेगा, नीचे बचेगा ऊपर, अगर ऊपर बचा, अगर ऊपर बचा बाई चांस, तो बेटा उसको आप बोलोगे, उसको आप बोलोगे बेटा गुडविल, क्या बोलोगे बेटा गुडविल, अगर नहीं दे रखी है तो। अगर नीचे अगर बैलेंस बचा बेटा तो उसको आप बोलोगे टू कैपिटल, टू कैपिटल रिजर्व, क्या लिखोगे बेटा टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखो या तो गुडविल बचेगा या तो कैपिटल रिजर्व बचेगा, ये बेटा बचता है आपका बैलेंसिंग फिगर से। इसके बेटा बाद हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पेमेंट। अब पेमेंट यहाँ पे देखो किस चीज की करनी है आपको, जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है बेटा वो देना है इस पे वेंडर पे। वेंडर वो पर्सन होता है जिससे आपने सामान खरीदा, तो उसको आपको पेमेंट करनी होगी। तो जब बेटा हम बात करेंगे पेमेंट की, तो पेमेंट पे ध्यान दो जरा कि पेमेंट किस तरीके से होगी बच्चे। पेमेंट करने का तरीका, या तो आप उसको बैंक से पेमेंट करोगे, या तो आप उसको कैश दोगे, या फिर बेटा आप उसको दे दोगे शेयर्स, क्या दे दोगे बेटा शेयर्स। शेयर्स आपके प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर का नाम लिखूंगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप फलाना ढिमकाना को देना चाहते हो तो आप दे सकते हो बीआर दे सकते हो, बीपी दे सकते हो, ठीक है, और कोई चेक, मतलब इसी तरीके से और भी बहुत सारी आइटम हो सकती है जो आपको देनी है, ठीक है। एंट्री क्या होगी बेटा वो देखेंगे हम यहाँ पर। अब तो बेटा अगर हम बात करते हैं पेमेंट की, तो जैसे आप बैंक या कैश से पेमेंट करते हैं, तो आप पेमेंट कर किसको रहे, सबसे पहला पॉइंट वेंडर को। तो वेंडर को अगर आप पेमेंट करोगे तो बेटा वेंडर हो जाएगा डेबिट, क्यों, क्योंकि उसको आप रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो डेबिट। और टू आ जाएगा बैंक से दे रहे हो तो बैंक लिखोगे, कैश दे रहे हो तो कैश लिखोगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम शेयर इश्यू कर रहे हैं तो ऐसे में वेंडर, देखो सभी में डेबिट ही होगा, ये बात ध्यान में रखो, वेंडर सभी में डेबिट होगा, इस बात को तो आप ध्यान में रख लो। अब बात आ जाती है नीचे क्या आएगा, अगर आप शेयर दे रहे हो इसका मतलब आप उसको मालिक बना रहे हो, तो आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपने मालिक बना दिया। प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप बी आर बी पी दे रहे हो तो बेटा आप वही लिखोगे, अगर बी आर दे रखा है तो बी आर लिखोगे, अगर बी पी दे रखा है तो बी पी लिखोगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा लिख दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बच जाओगे कम से कम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से वही बच्चा लिख सकता है जिसको कंफ्यूजन है। तो ये पेमेंट बेटा आपको सिर्फ ये देखना है, वेंडर तो सभी में डेबिट ही होगा, आपको बस ये देखना है कि नीचे क्या आ रहा है। तो पेमेंट बेटा ऐसे होती है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन 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 पेमेंट करने से पहले आपको एक काम करना होगा, एक वर्किंग नोट, तीनों में ही अप्लाई होता है, एक ऐसा वर्किंग नोट जो तीनों में अप्लाई होता है बेटा। वो वर्किंग नोट क्या है, मान के चलो कि वेंडर की जो पेमेंट है बेटा वो पेमेंट है 99,000 रुपए की, कितने की 99,000 की, तो आप 99,000 से पेमेंट करोगे। ये आपको सर तभी कंडीशन देखनी है, तो कंडीशन कब देखनी है, जब आप शेयर इशू करते हो। तो शेयर बेटा आपको पता है शेयर दो तरीके से इशू होते हैं, या तो शेयर इशू होगा पार पे या तो होगा प्रीमियम पे, ये बात आपको ध्यान देनी है, या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। अगर प्रीमियम पे, अगर पार पे हुआ तो ये एंट्री, लेकिन प्रीमियम पे हुआ तो बेटा आपको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से भी आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अगर प्रीमियम पे आप शेयर दे रहे हो तो। वर्किंग नोट का क्या है मतलब, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने आप दे रहे हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, टोटल पेमेंट टू वेंडर, टोटल पेमेंट टू वेंडर डिवाइड बाय नंबर, डिवाइड बाय इशू प्राइस। 10 रुपए का तो 10 रुपए लिखोगे, 10 रुपए चाहिए 12 रुपए बेचते हो तो 12 रुपए लिखोगे, क्लियर पॉइंट। तो टोटल पेमेंट टू वेंडर इंटू में डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो बच्चे करना क्या होगा, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने निकाले, मल्टीप्लाई करोगे इश्यू प्राइस जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि नॉर्मली यहां पे होगा फेस वैल्यू, क्या होगा बेटा फेस वैल्यू।
और यहाँ पे अगर प्रीमियम जैसे है उसके अंदर तो नंबर ऑफ शेयर इंटू में प्रीमियम का पैसा। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा बेटा, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको कि कई बार क्या होता है कि इनका कॉम्बिनेशन भी आ जाता है कि कुछ पैसा वो कैश बैंक दे रहा है बाकी का शेयर दे रहा है, तो जो भी अमाउंट कैश और बैंक देने के बाद जो बचा जैसे 99,000 उसमें 9,000 कैश दे रहा है तो बाकी क्या बचा है 90,000, तो 90,000 शेयर होगा तो यहाँ पे 90,000 लिखोगे। मैं बेटा आपको क्वेश्चन भी दिखाई देता हूँ साथ साथ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद ही बच्चे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, इसलिए क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोराटा का एक क्वेश्चन जिससे आपको थोड़े से और आसानी हो जाएगी टॉपिक को समझने में। बच्चे मेरा ढूंढेंगे हम इसके अंदर प्रोराटा वाला टॉपिक, एक बेटा हमेशा बात ध्यान रखना कि कॉल सिन एरियर पे 12% का इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, और कॉल सिन एडवांस पे बेटा आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 12%, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये गलती मत करना, हो सकता है कि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हाँ ये ना जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटा, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स 4 रुपीज वाले 80,000 पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, व्हाट एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ द इश्यू इज एट पार एट प्रीमियम 20%। तो पार वाले की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्रीमियम की। तो यहाँ पे लिखा है एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है राम ब्रदर्स, तो राम ब्रदर्स बेच रहा है, तो राम ब्रदर्स वेंडर है सेलर है, तो ये वेंडर होता है। आप एंट्री क्या पास करोगे, मुझे नहीं पता कौन से एसेट, तो आप लिखोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स मतलब की वेंडर, ये बेटा वेंडर ही होता है ध्यान रखना। अब क्योंकि नाम दे रखा है तो मैंने राम ब्रदर्स लिख दिया, 1,80,000 की अमाउंट थी, ठीक है। अगर बेटा अगर पार पे अगर मैं इसको इश्यू कर रहा हूँ तो बेटा 1,80,000 की पेमेंट है, 10 रुपये इश्यू प्राइस है इसका, तो 18,000 शेयर आ गए। अब बेटा मैंने जैसा आपको बताया था कि शेयर कैपिटल की प्रीमियम तो है नहीं, तो आप क्या करोगे 18,000 शेयर इंटू में 10, 1,80,000 फिर भी आ जाएगा, तो वही इन्होंने किया। तो अगर आप राम ब्रदर्स को पेमेंट करते हो, पहले राम ब्रदर्स नीचे था, पेमेंट करोगे तो ऊपर आ जाएगा, आप शेयर इशू करे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, तो बेटा 18,000 तो हमने खुद निकाले थे शेयर, अभी डिवाइड करके 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू से, ध्यान रखना फेस वैल्यू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम अमाउंट आ जाएगा ऊपर नीचे। लेकिन अगर बात करते हैं प्रीमियम की, तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1,80,000 की आपको पेमेंट करनी है, उसने बोला प्रीमियम पे 20%, तो 10 रुपये है इसका फेस वैल्यू, 10 रुपये है फेस वैल्यू, 20% प्रीमियम, तो 10 रुपये का 20% 2 रुपये मतलब 12 रुपये में वो इश्यू कर रहा है, तो ऐसे में बेटा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 15,000 शेयर्स, क्या आएगा 15,000 शेयर्स। तो बेटा जब आप इसकी एंट्री पास करोगे तो देखोगे राम ब्रदर्स से 1,80,000 से पूरा आ जाएगा, कैपिटल में लिखोगे बेटा 15,000 इंटू में फेस वैल्यू जो कि मैंने आपको बताई हुई है, प्रीमियम में लिखोगे बेटा 15,000 इंटू में 2 रुपये, तो यहाँ पे ये अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। बेटा इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करनी है, मैं बेटा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिनका बुक नहीं है बेटा वो ये देख सकते हैं, देखो ये करके दिखाया हुआ है इन्होंने दोनों ही केस में, देखो बेटा जल्दी से ये सभी क्वेश्चन आपको बेटा करने हैं, सभी इलस्ट्रेशन आपको करनी है, ठीक है, ये सभी चीजें बेटा आपको कंप्लीट करनी होगी, ध्यान रखो। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो बेटा अदर देन कैश के बेटा जो क्वेश्चन है ना वो ये वाले क्वेश्चन है, आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन ना हो पाए वो मुझे बता देना, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ बेटा वो क्वेश्चन दूंगा कॉल सिन एरियर कॉल सिन एडवांस के। तो बेटा कॉल सिन एरियर कॉल सिन एडवांस के ये है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है बेटा। तो आज की इस वीडियो में बेटा यहीं तक था, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी बेटा लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, इससे थोड़ा हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन आती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं, खाली देख दाख के मत जाया करो बेटा, लाइक करना, लाइक भी किया करूँ थोड़ा अच्छा लगेगा हमें अगर आप लाइक करोगे। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ अपने।